नमस्ते मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं मोटिवेशन से बढ़कर यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अपनी राय साझा करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि मेरा मानना है मोटिवेशन, जिसको प्रेरणा कहते हैं, इसका कोई एक निश्चित स्रोत नहीं होता और यह सब हमारे बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। कोई भी बात या कार्य, चाहे जहां से मिले, जो हमें सुखद अनुभव कराए या हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रेरणा स्रोत के लिए कोई भाषा, जाति या धर्म नहीं होता, बस एक उद्देश्य होता है। अगर उस प्रेरणा से हमारे उद्देश्य की प्राप्ति होती है या मार्गदर्शन होता है तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। इतना ही नहीं, उसका जोरों से प्रचार प्रसार भी करना चाहिए ताकि औरों को भी लाभ मिले। मित्रों, शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने कभी हनुमान चालीसा का पाठ न किया हो, और अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ने के साथ साथ उसके व्यवहारिक अर्थ को भी समझ लें तो क्या ही कहने। मेरा कहने का तात्पर्य है, अगर आप इसका अर्थ समझकर पाठ करते हैं तो आनंद और लाभ दुगना हो जाता है। जो व्यक्ति हनुमान जी की सेवा भक्ति एवं हनुमान चालीसा का दैनिक रूप से पाठ करता है, वह जीवन में अनंत सफलताओं को प्राप्त करता है। मित्रों, आज की वीडियो में हम न केवल हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे किंतु इसके अर्थ को भी समझकर जीवन को सुखमय बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारी। अर्थात जी कहते हैं कि अपने गुरु के चरणों की धूल को स्पर्श करके मन, आत्मा और बुद्धि को पवित्र करते हुए श्री रघुवीर के निर्मल यश का गुणगान करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को वितरित करते हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। हे पवन पुत्र हनुमान, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझ जैसे निर्बल और बुद्धिहीन को ऊर्जा, बुद्धि और ज्ञान देकर मेरे क्लेश और दुखों को दूर कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे पवन पुत्र हनुमान, आपके ज्ञान और गुण पृथ्वी के सागर की तरह विशाल है, जिसका कोई अंत नहीं है। इस ब्रह्मांड के तीनों लोक, आकाश लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपके यश और कीर्ति की चर्चा है। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे राम दूत, हे अंजनी पुत्र पवन सुत, यह सब आपके ही नाम है और इस ब्रह्मांड में आपके समान कोई भी बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सिमत के संगी। हे पवन पुत्र महावीर बजरंगी, आप दुनिया के सबसे बड़े पराक्रमी हैं। आप बुद्धिहीन व्यक्ति को बुद्धि प्रदान करते हैं और अच्छी बुद्धि का साथ देते हैं। कंचन वर्ण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हे बजरंगबली, आप सुनहरे रंग और सुंदर वस्त्रों से सजे हुए हैं और आपके कार में कुंडल और आपके बाल घुंघराले हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। हे बजरंगबली, आपके एक हाथ में वज्र और दूसरे हाथ में ध्वजा रहती है एवं आपके कंधे पर मूज का जनेऊ आपकी शोभा बढ़ाता है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे केसरी नंदन हनुमान, आप भगवान शंकर के अवतार हैं। आपके तेज और प्रताप की पूरे संसार में वंदना की जाती है। विद्यावान कुनी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। हे हनुमान, आप जितना विद्यावान, गुणी और चतुर इस संसार में कोई नहीं, और आप अपनी इस बुद्धि और विद्या का प्रयोग श्री राम के कार्यों में बड़े ही अच्छे ढंग से करते हैं। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हे पवन सुत हनुमान, जिस तरह आप रामचरितमानस सुनने के लिए आतुर रहते हैं, उसे देख कर लगता है कि आपके तन मन बदन हर जगह भगवान राम और माता सीता का निवास है। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। हे पवन पुत्र हनुमान, इस दुनिया में आपका कोई सानी नहीं है। एक क्षण में आपने छोटा रूप धारण कर माता सीता को दर्शन दिए थे और दूसरे ही क्षण अपने विकट विकराल रूप धारण कर लंका को जला दिया था। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। हे पवन पुत्र हनुमान, आपके विकराल रूप धारण कर असुरों का संहार किया और रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल बनाने में उनका साथ दिया।
लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरसी उर लाए। आपने सजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को जीवन दान दिया था, उसे देखकर श्री रघुवीर का हृदय आपके प्रति हर्ष से भर गया। रघुपति की नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हे हनुमंत, श्री राम आपको इतना पसंद करते हैं कि वे आपकी बढ़ाई करते नहीं थकते। उनके लिए आप अपने भाई भरत की तरह ही अत्यंत प्रिय हो। सहस बदन तुम रे जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। हे पवन पुत्र हनुमान, श्री राम ने आपको यह कहकर गले से लगा लिया कि तुम्हारा सारा बदन दूसरों के जस के लिए गुणगान करता है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहिद अहीसा। सनकादि ब्रह्मा विष्णु ऋषि मुनि नारद एवं समस्त देव आपके तेज यश बल आदि का गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहां ते, कह को विद कह सके कहां ते। हे अंजनी पुत्र हनुमान, समस्त ब्रह्मांड में आपका यश इतना बड़ा है कि कोई भी यमराज कुबेर पंडित विद्वान आदि आपके यश गुणगान करते नहीं सकता। तुम उपकार सुग्रीह कीनो, राम मिलाए राजपति दीना। हे अंजनी पुत्र, आपने एक उपकार सुग्रीव पर यह किया था कि उन्हें राम से मिलाया और उनका राजकाज उन्हें वापस मिल सका। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भये सब जग जाना। आपके आदेश का पालन विभीषण ने भी किया, जिसकी वजह से विभीषण लंका का राजा बना और इस बात को पूरा संसार जानता है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानू। हे महावीर हनुमान, जो सूर्य इस पृथ्वी से लाखों युग योजन दूर है, जहां तक पहुंचना ही असंभव सा कार्य है, आपने उस सूर्य को एक मीठा फल समझकर निगल लिया था। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिला की गए अजरज नाही। हे हनुमंत, वह आप ही हैं जिसने श्री राम की अंगूठी अपने मुख में रखकर जल संसार को लांग उस अंगूठी को सीता जी तक पहुंचाया था, और इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते। हे हनुमान, इस संसार में जो भी काम सबसे ज्यादा कठिन है, वह आपकी कृपा से बहुत सरल रूप से हो जाता है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। हे हनुमान, आप राम को अपना सबसे प्रिय मानते हैं और उनकी रक्षा के हित में उनकी आज्ञा के बिना किसी को भी उन तक पहुंचने नहीं दे सकते। सब सुख ले है तुम्हरी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जब कोई आपकी शरण में आता है, वह संसार से परे सब सुखों का आनंद उठाता है। जो संसार रूपी सभी सुखों से परे है और आप जिसकी रक्षा कर रहे हैं, उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। आपका तेज और आपकी गति इतनी है कि उसे आप ही संभाल सकते हैं, अन्यथा आपके तेज की गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे महावीर हनुमान, जब कोई व्यक्ति आपका नाम सुमिरन करता है, वह भूत पिशाच एवं दुष्ट आत्मा उसके आसपास भी नहीं भटक सकती। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हे हनुमान, जो मनुष्य आपके नाम का निरंतर जाप करता है, उसके सभी रोग दोष एवं सभी प्रकार की परेशानियों का निवारण हो जाता है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान, जो मनुष्य अपने कार्य मन वचन आदि में आपका ध्यान करता है, उसकी सभी परेशानियों का निवारण आप स्वयं ही करते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज थकल तुम साजा। इस संसार में तपस्वी राजा रामचंद्र सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। उनके सभी कामों को आपने सहज ही सरल किया है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो मनुष्य आपके सच्चे भाव से याद करता है, आप उस पर ऐसी कृपा करते हैं जो उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। इस संसार में चार युग हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, और इन सभी युग में आपकी यश कीर्ति विद्यमान है और इस संसार में आपका यश सर्वत्र विशेष है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे हनुमान, आप श्री राम के प्रिय सज्जनों की हमेशा रक्षा करते हैं और दुष्टों का हमेशा नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ युधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हे हनुमंता, आपकी सेवा भावना से हिचड़ी जानकी माता ने प्रसन्न होकर आपको वरदान दिया है,
उस वरदान के तहत आप किसी अपने प्रिय को 8 सिद्धियां और 9 निधियों का मालिक बना सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हे हनुमान, आप श्री राम की भक्ति में इतने मगन हैं कि अब राम नाम आपके लिए एक औषधि बन चुका है। आपको बुढ़ापा एवं अन्य बीमारियां छू भी नहीं सकेंगी जब तक आप भगवान श्री राम की शरण में हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। हे अंजनी पुत्र, जो कोई मनुष्य आपकी भक्ति करता है उसके कई जन्मों के दुख दूर हो जाते हैं और वह मनुष्य श्री राम का प्रिय बन जाता है। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। हे हनुमान, यदि आप जीवन मरण के फेर में बंधे हुए होते तो अंत समय आप श्री राम धाम अयोध्या में जाते और फिर से जन्म लेकर श्री राम भक्त कहलाते। और देवता चितना धरई, हनुमत से ही सब सुख करई। हे हनुमंत, यदि कोई मनुष्य आपकी आराधना करता है तो उसे सब सुख प्राप्त होते हैं और उसे किसी अन्य देव की आवश्यकता नहीं रह जाती। संकट मिटे कटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जो मनुष्य हनुमान जी का ध्यान करता है एवं उनकी आराधना करता है, हनुमान जी उसके सब संकट दूर करते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान, मैं आपकी जय जयकार करता हूँ, कृपया आप मुझ पर अपनी कृपा एक गुरु की भांति बनाए रखें। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। जो मनुष्य हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह मनुष्य संसार रूपी बंधनों से छूटकर भगवान के परमानंद की प्राप्ति करेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि सा की गौरी सा। जो मनुष्य नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करेगा वह व्यक्ति अपने जीवन काल में नई उपलब्धियां हासिल करेगा और हर काम में सफलता पाएगा। इस बात के साक्षी स्वयं भगवान शंकर हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। हे पवन पुत्र हनुमान, तुलसीदास हमेशा से श्री राम के भक्त रहे हैं, कृपया आप अब उनके हृदय में निवास करें जिससे उनका उद्धार हो सके। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहूं सुरभूप। हे पवन पुत्र हनुमान, आप संकटों को हरने वाले और शुभ कार्यों के प्रतीक हैं। मैं तुच्छ व्यक्ति आपसे विनती करता हूँ कि आप राम लखन और सीता माता सहित मेरे हृदय में निवास करें। जय श्री राम। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरा आपसे सप्रेम अनुरोध है कि इस वीडियो को पसंद करने के साथ साथ और लोगों तक भी पहुंचाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी एक और प्रेरणा से ओतप्रोत वीडियो में। तब तक जिंदगी में स्वस्थ रहें और खुश रहें। जय श्री राम।